हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदी क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम आईने के इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आईने के इक्विलिब्रियम किसमें होता है, एसिड बेस और साल्ट, वही दिखा सकते हैं, वो भी वीक वाले ही। साल्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एसिड और बेस ओनली वीक वाले ही इक्विलिब्रियम दिखाएंगे। आयनिक वाला सोल जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं, और 100% डिसोसिएट होने का मतलब वो लोग इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे। या फिर अगर कोई स्पारिंगली साल्ट, स्पारिंगली सोल्यूबल, जो बहुत ही कम सोल्यूबल हो, ऐसा साल्ट। हेलो सर। हेलो बेटा। स्पारिंगली सोल्यूबल। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो सर? कांग्रेचुलेशंस। हाँ, चंद्रयान ने वो लैंड कर लिया ना, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो स्पारिंगली सोल्यूबल अगर कोई साल्ट है, अगर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको समुद्र में डाल देते हैं, बिल्कुल पानी है, प्योर पानी समुद्र में, और एक चुटकी भर साल्ट डाल दोगे, तो वो आयन इतने दूर हो जाएंगे कि वो 100% सोल्यूबल हो जाएंगे, है ना। दोबारा मिलेंगे नहीं, अगर टूट गया गलती से तो दोबारा नहीं मिलेंगे, दैट इज इट। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेम पेस टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए भाई, सबसे लास्ट वाला हमारा जो था क्या था, एसिड बेस था। आर्गनियस एसिड क्या होता है? एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, OH नेगेटिव आयन डोनेट करने वाला, आर्गनियस बेस, जो आपने 10th लेवल पर पढ़ा था। या तो मुझे लगता है कि आर्गनियस बेस सिर्फ नाम अलग आया, बाकी तो आपको आता है। यस, क्लियर है? नाम भी पता है। यस सर। नाम भी पता है, बहुत अच्छा। मतलब नाम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, बट नई चीज आपके लिए जो है वो नाम ही है, बाकी सब तो आपने 10th में किया होगा, डेफिनेटली, है ना। प्रोस्टेट लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन OH डोनेट करने वाला नहीं, H एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? प्रोस्टेट लोरी कॉन्सेप्ट होता है। यस, क्लियर है बेटा? बेस, प्रोस्टेट बेस। तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे भाई, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करता है? लोन पेयर डोनर क्या होता है? अमोनिया, लोन पेयर जो डोनेट करता है, और BH3 जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये होते हैं लेविस एसिड और लेविस बेस। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? ये तीनों कॉन्सेप्ट फिर से आए हैं, पिछले लेक्चर में हमने नहीं यहीं पर छोड़ा था, किया था, है ना। ठीक है, लास्ट स्लाइड यही थी पिछले लेक्चर की, तो मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। तो फिर से ये देखिए, आर्गनियस एसिड द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर दे रिलीज द एच पॉजिटिव आयन द सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। पानी में घुलने पर एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाले को आर्गनियस एसिड कहते हैं, और OH नेगेटिव आयन अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस होता है। OH नेगेटिव आयन कौन करेगा? NaOH OH नेगेटिव आयन करेगा, KOH OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, और HCl H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, H2SO4 H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, HNO3 H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। ये सब सब आर्गनियस एसिड और आर्गनियस बेस हैं। यस, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, एक ना बोरिक एसिड होता है, BOH थ्राइस, ये एसिड होता है। क्या लगता है आपको, सच में एसिड होता है? बोलिए, कैसे एसिड होगी? तो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, यस और नॉट? एक्सेप्शन होता है सर। यस। नहीं सर, ये एक्सेप्शन होता है। कैसे? मैंने पढ़ा था सर, जब हम बोरिक एसिड की खासियत होती है, मैंने लैब में देखा था, जब ये पानी में मैंने इसको डाला था तो कुछ गैस टाइप कुछ प्रोड्यूस हुआ था, फिर जब मैंने इसके आगे वो रखा था, मतलब हाइड्रोजन का, हमारे सर ने बोला हाइड्रोजन टेस्ट करो, तो इस पे हाइड्रोजन पे पॉप साउंड आ रही थी, तो उससे मतलब ये एसिड, मतलब ये प्रॉपर्टीज तो एसिड की शो करता है, पीएच पे भी इसका जो स्केल होता है नीचे जाता है, दूसरे जब ये प्रॉपर्टीज एसिड्स की शो कर रहा है तो ये हुआ ही एसिड। हाँ, कैसे करता है बताइए जरा, यही मैं पूछने वाला हूँ सर। ये OH में OH थाइस हो गया ना, हो गया ना? हाँ सर, तो इसका मतलब होगा कि बोरी जो आपका वो है बी है, उसके चारों तरफ तीन OH के बॉन्ड्स हुए। हाँ, लगा दिए मैंने, बताओ जरा। ठीक है सर, तो इसका अब जैसे मान लेते हैं वो पानी में डिसोसिएट होना शुरू होता है सर, तो फिर वो हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन डिसोसिएट कर पाएगा ना जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर में, यहाँ पे सारे सिंगल है तो ऑक्सीजन नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर हम OH नेगेटिव आयन को हटाते हैं, इसको अगर मैं हटा दूं OH नेगेटिव आयन को, बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहता, फिर ये है, फिर इसका मतलब OH ये रिलीज नहीं करेगा, इसकी वैलेंसी 3 होती है, सीधी सी बात। लेकिन बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली होता है, पूरी बोरॉन फैमिली के पास खाली होता है, हमने कल ही बात की थी, पीएच याद है? तो भाई जब बोरॉन फैमिली के पास एक ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल या 2p वाला 2p h 2p y 2pz कोई भी एक ऑर्बिटल खाली होता है, उसके अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां पे डोनेट कर सकती है, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ना ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन से वापस ले लेती है, और इस तरह से ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। यस, क्लियर है? यस सर।
यस सर फेयर यस तो ये कुछ ऐसी कहानी करता है, दैट इज व्हाई इसका इंटरनली ये क्या है, यानी अगर किसी के पीछे ओएच लगा है तो आप इतना दिमाग मत चलाना कि ये पक्के तौर पर बेसी होगा, ये भाई साहब एसिड है। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। डिटेल भी करेंगे हम इसकी, नो वरी अबाउट दिस। तो आर्नियस एसिड देखिए, सब्सटेंस व्हिच डोनेट एच पॉजिटिव आयन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, आर्नियस एसिड है। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल एसिड कंटेन एच पॉजिटिव आयन, ऑल बेसिस कंटेन ओएच नेगेटिव आयन। एग्जांपल देखिए, तो ये है इसका ड्रॉबैक, आर्नियस एसिड कॉन्सेप्ट बेस की जगह दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए, क्योंकि सभी एसिड ऐसे नहीं थे जो एच पॉजिटिव आयन डोनेट करें या ओएच नेगेटिव आयन डोनेट करें। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है जबकि इसके पास एच नहीं है, NH3 अमोनिया ये तो हम बात कर ही चुके हैं, ये क्या है, ये बेस है जबकि इसके पास OH नहीं है, और ये दोनों लिमिटेशन है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अमोनिया क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है पानी में से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर दिया, OH नेगेटिव आयन इसका अलग हो गया, तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड लोरी या लोन पे डोनेट करने वाला उसके अंदर आएंगे, तो ये लिमिटेशन है। आपको लिमिटेशन बहुत अच्छे से याद करनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एसिड, कितनी तरह के एसिड होते हैं भाई, मोनोबेसिक, मोनोप्रोटिक, प्रोटिक बोले तो एच पॉजिटिव आयन, जिसके पास एक ही एच पॉजिटिव आयन हो वो होगा मोनोप्रोटिक। यस सर। ठीक है, मोनोबेसिक भी बोलते हैं, मतलब वो एक बेस वाले को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके पास एक OH नेगेटिव आयन हो या एक बेस को, वन मोलर बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ एक ही OH नेगेटिव आयन डोनेट करने की हो। इसलिए से एसिड को बेसिक लगाया था, मोनो बेसिक, मोनो एसिडिक नहीं, मोनो बेसिक या मोनोप्रोटिक बोल सकते। क्लियर है? यस सर। तो ये उल्टा लिखा होता है, कहीं इसको देख के आप बोलोगे ये तो बेस है, ये एसिड ही होता है। तो मोनोप्रोटिक है, गिव सिंगल एच, जो सिर्फ सिंगल एच देता है, एग्जांपल HCl है, CH3COOH है, ये एच पॉजिटिव आयन एक ही डोनेट करते हैं एक मॉलिक्यूल से। यस सर। ये स्ट्रॉन्ग है, ये सारे के सारे डोनेट कर देगा, ये वीक है, तो अगर मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 में से हो सकता है दो ही एच पॉजिटिव आयन डोनेट करें, बाकी के 8 रह गए, पर जिन दो मॉलिक्यूल ने एच पॉजिटिव आयन डोनेट किए उन्होंने दोनों ने एक एक ही एच पॉजिटिव आयन डोनेट किया, एक से ज्यादा नहीं किया, ये कह रहे हैं हम। यस, समझ में आ गया सर? यस। ठीक है सर। अच्छा, जो आपने अभी एग्जांपल दिया सर, इसका मतलब समझा नहीं मैं, कि आपने 10 HCl लिए। अब देखिए HCl जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, HCl कंप्लीट डिसोसिएट, अल्फा की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब 100% पानी में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पूरा का पूरा टूट जाएगा। अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 ही ये होंगे, 10 ही ये होंगे। CH3COOH ये भी मोनोबेसिक है, ये भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा प्लस CH3COO नेगेटिव बनाएगा, ये भी वैसा ही करेगा, लेकिन अगर इसके 10 मॉलिक्यूल है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं, यहां पर 8 रह जाते हैं, यहां या 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होती, तो अल्फा की वैल्यू और मोनोबेसिक में कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्फा की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है, मोनोबेसिक मतलब एक एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, जिसके पास है ही एक। इसका मतलब होगा जिनकी अल्फा की वैल्यू 1 है वो जरूरी नहीं है कि वो मोनोबेसिक होंगे। वो तो जरूरी बिल्कुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनकी अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, वो H2SO4 हाइड्रोजन तो 2 देता है वो। यस सर। पर अल्फा भी 1 है उसका, 100% डिसोसिएटेड है। आगे देखिए डाई बेसिक, जैसे कि H2SO4 है, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है भाई, ये दोनों हाइड्रोजन देता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में देगा, मतलब 10 मॉलिक्यूल में से मान लो कि 3 मॉलिक्यूल दोनों हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, और H2SO4 क्या, ये तो 100% जितने मॉलिक्यूल होंगे 2 एच पॉजिटिव आयन डोनेट करता है H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड का अल्फा 1 नहीं होता, ये पता है ना, यहाँ इन्होंने शो भी करा। नेक्स्ट देखिए ट्राई बेसिक, 3-3 एच होते हैं किसी के पास, बिल्कुल H3PO4, H3ASO4, H3PO, अब देखो जरा यहाँ पर, अब मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, H3PO4 जो है 3H डोनेट करता है और PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव है, रट्टा मार लेना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और H3PO2 भी होता है और H3PO3 भी होता है, ऑक्सीजन का वैल्यू कम ज्यादा है, H3PO4 जो है वो 3H देता है, तीनों H, H3PO3 जो है ऑक्सीजन एक कम हो गया, ऑक्सीजन 3 है तो 2H देगा, ऑक्सीजन 2 है तो 1OH देगा, जितने ऑक्सीजन है, अभी जब बेटा अपना माइक ऑफ रखिए आप, जितने ऑक्सीजन है उससे 1H कम देगा, H3PO4 4 ऑक्सीजन है तो H3 के 3 दे देगा, समझ में आ रही है बात? यस सर। ये वाले एसिड आगे आएंगे आपके 12th लेवल पर आएंगे,
इनके स्ट्रक्चर भी आएंगे तब आपको साफ साफ समझ में आएगा, और यहाँ पर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं फिर से यहाँ भी समझा दूंगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि H3PO4 भी होता है, H3PO2 भी होता है, H3PO3 भी होता है, जितने ऑक्सीजन है उससे एक H कम देगा वो, तो यानी दिखाई तीन दे रहे हैं सब में, तो ये मत सोचना कि ये तीन तीन हाइड्रोजन ही देने वाले हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जब ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं तो बच्चों को लगता है ये भी तीन एच ही डोनेट करेगा, ये तीन नहीं करता। क्लियर है? यस सर। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है आर्नियस थ्योरी, डिफेक्ट्स ऑफ आर्नियस थ्योरी, वैसे लिखा हुआ था यहाँ पे, ये डिफेक्ट्स नहीं है, सीधी आर्नियस थ्योरी बता रखी इसने, बकवास कर रखी है। तो देखिए एच पॉजिटिव आयन इन वाटर आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा पानी होता है इनमें, एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड होते हैं एच पॉजिटिव आयन इन वाटर, ठीक है, मतलब पानी के अंदर एच पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, हाइड्रेट का मतलब ये है, इन द फॉर्म ऑफ H3O पॉजिटिव, H5O2, H7O3, ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो देखो भाई H3 वाटर जो है, अब H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, पहले तो उसी को बनाएंगे, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा नीचे बना हुआ है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के पास एच पॉजिटिव आयन एक आता है, एच पॉजिटिव आयन को क्या होता है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है, जिससे इसका पॉजिटिव चला गया, तो पॉजिटिव किस पे आएगा, ऑक्सीजन पर आ गया, और ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यस, क्लियर है? यस सर। और इसका स्ट्रक्चर देखो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका हाइड्रोनियम का, अमोनिया जैसा होता है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन लगाओ बस पॉजिटिव नहीं है उस पे, ऑक्सीजन लगा के पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। ट्राई क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर ये रहा, और इससे H3O पॉजिटिव बनता है जब H पॉजिटिव आयन अटैक करता है, तो जो पानी में हम H किसी एसिड को डालते हैं तो पानी के एसिड के H पॉजिटिव आयन सभी के सभी पानी के साथ H पॉजिटिव एसिड जोड़कर क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाइड्रोनियम आयन फिर से, ये हाइड्रोनियम आयन एक और वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, तो देखो अब पानी हाइड्रोजन कितने हो गए, पांच हो गए, तीन और दो पांच, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो गए, पॉजिटिव तो रहेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव तो दोनों मॉलिक्यूल्स का टोटल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर एक और वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, H7O3 बन जाता है, फिर एक और जुड़ जाता है, H9O4 बन जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये इस तरह से लंबी चेन्स में ऐसे जुड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, H3O पॉजिटिव तो आप हमेशा पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा ये वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है कभी कभी। क्लियर है बेटा? यस सर। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से इस तरह से हाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ते रहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, जो बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल बनाता है, ये हम पहली बात कर चुके हैं, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होती है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट, विच ऑफ द हाइड्रेटेड स्पीसीज कैन एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट करता होगा, ये इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखो H5O2 करता है, बिल्कुल करता है, H3O पॉजिटिव तो हमें पता है हाइड्रोनियम आयन होता है, इसमें वाटर मिला दो H5O पॉजिटिव बन जाता है, तो ये दोनों तो करते हैं। H3O2 नेगेटिव क्या ये करता है, अब जरा ध्यान देना इसके ऊपर, वाटर प्लस OH नेगेटिव, NaOH से OH आया, सोचो आपने पानी के अंदर बेस मिला दिया, NaOH से OH आ गया, ठीक है, H3O2 नेगेटिव बना देगा। जैसे वाटर में, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन जुड़ जाता है ना और हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव, सेम एज इट इज वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन भी जुड़ जाता है और वो वाटर के साथ में H3O2 नेगेटिव बनाता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। और NaOH के साथ, तो ये भी एग्जिस्ट करता है, सीधी सी बात है, इसको ऐसा मत कहना कि एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए H7O3 पॉजिटिव, तो भाई H5O2 में एक और पानी मिला देंगे तो H7O3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो सारे हाइड्रोनियम आयन ही है, ये तीनों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अलग था, इसको मैंने हाईलाइट करके सीधा दिखा रहा हूं, सारे स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन में कौन एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, ये सारा उसका कुछ दिखा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आर्नियस बेस, अब आर्नियस बेस क्या होता है, व्हाट इज आर्नियस बेस, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे,
पीओएच है, बी पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव रिलीज करेगा, जैसे एनएओएच है तो एनए पॉजिटिव बन जाएगा, ओएच नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आरनीएस बेस होता है, ये भी हम कर चुके हैं, सबको डिटेल में कर रहे हैं, बस सीधी सी बात। तो मोनो एसिडिक टाइप कितने आरनीएस बेस के, मोनो एसिडिक या मोनोप्रोटिक बेस, अब इसको मोनोप्रोटिक कह रहा हूं, प्रोटिक तो एच पॉजिटिव आयन होता है, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, इसलिए इसको मोनोप्रोटिक कह रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। यानी ये जो बेस होगा वो तो एसिडिक हो जाएगा, जो एसिड होगा वो बेसिक हो जाएगा नाम के पीछे, लेकिन मोनोप्रोटिक दोनों के साथ सेम आ रहा है, ठीक है, और बट पीछे बेस आ रहा है, बेस वो मोनोप्रोटिक एसिड था, ठीक है, ये मोनोप्रोटिक बेस है, मतलब एक एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर यूं कहें कि एक ओएच नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट डाई एसिडिक या डाई प्रोटिक जो दो कर सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पक्का नाम सुना होगा, एम जी ओ एच ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, जब एसिडिटी हो जाती है तो इसको, इसकी एक गोली आती है बाजार से मेडिकल शॉप से, और सर इनो, हाँ इनो भी तो होता है, इनो अलग चीज है, इसकी एक बड़ी सारी गोली आती है, इतनी बड़ी गोली होती है वो गोल, अच्छा। जैसे आप लोगों ने पैरासिटामोल की गोली देखी होगी बुखार वाली, उससे मतलब दो तीन गुना बड़ी गोल गोल गोली होती है, उसको पानी में मिला के पी लो या फिर डायरेक्ट पी के पानी पी लो, एसिडिटी हो जाए तो वो उसकी एसिडिटी इससे कम हो जाती है। हालांकि क्या इनो, इनो इनो में तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा, मैंने कभी सर्च नहीं किया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, ना सिलेबस में मेरे आया कभी, लेकिन ये पढ़ा है हमने। तो देखिए ये ना टेम्परेरी इलाज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये एक बार बेस है पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन उसके बाद में पेट को लगता है, स्टमक को लगता है कि भाई एसिड तो तेरा न्यूट्रलाइज हो गया, तुझे और बनाना चाहिए, और हमारा स्टमक और एसिड बनाता है, समझ में आया? इसको लेने के बाद खाना ज्यादा खा लेते हैं कुछ नहीं हो, कोई तरीका नहीं बेटा, देखो स्टमक को जो, हमारे स्टमक को जो काम करना वो तो करेगा, ठीक है, वो उसको छोड़ने वाला नहीं, तो ये परमानेंट इलाज नहीं, इसलिए इनो विनो जो है ये शायद थोड़ा बहुत परमानेंट इलाज है, एसिडिटी को काफी हद तक कम करता है। सर तो जिनका पेट दर्द एक बार शुरू होता है तो इनो खत्म, मतलब कुछ डॉक्टर्स कैसे खत्म करते हैं भाई, उनके पास मेडिसिन होती है बेटा बहुत सारी, इस वजह से सारा कुछ, अब इतनी नॉलेज अपने को नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ केमिस्ट्री जानते हैं, डॉक्टर को मेडिकल का पता है, उसे शायद इतनी केमिस्ट्री नहीं आती है ना, जो हमने पढ़ रखी है हायर क्लास तक, डॉक्टर्स ने उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उन्हें मेडिसिन की केमिस्ट्री पता है, सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है बेटा, ओके सर, कहीं सुई काम आती है कहीं तलवार काम आती है, तो दोनों को फेंकना नहीं चाहिए, हर चीज का, हर इंसान का अपना अपना सिस्टम है, तो उन लोगों को उनका नॉलेज है, डॉक्टर्स वाली नॉलेज मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हल्का फुल्का वो तो कॉमन सेंस है, दैट इज नॉट कॉल्ड द मेडिकल नॉलेज, मैं ये नहीं कहता मुझे मेडिकल की नॉलेज है, मुझे कॉमन सेंस है मेडिसिन की, हल्का फुल्का जो सबको होती है, पैरासिटामोल एनाल्जेसिक है, बुखार को कम करती है, पेन रिलीवर भी है, पेन भी कम हो जाता है उससे, ठीक है, सिट्राजिन खाने से जुकाम अगर हुआ हो या छींकें आ रही हो किसी को तो एलर्जी कम कर देती है वो, इस तरह की छोटी मोटी कॉमन सेंसेस, दिस इज नॉट कॉल्ड द नॉलेज, है ना। चलिए yes, अब आगे बढ़ते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी भाई दो ओ एच नेगेटिव आयन छोड़ सकता है, जितनी भी कैल्शियम वाली फैमिली है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम रेडियम सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे डाई बेसिक डाई प्रोटिक बेसिक, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसी में आता है, स्ट्रॉन्टियम हाइड्रोक्साइड भी उसी में आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी उसी में आता है। नेक्स्ट ट्राई में कौन सा होगा, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी ट्राई वाले में आते हैं, तो याद रखना ट्राई वालों के नाम आपको मुश्किल से याद आएंगे, तो इनको जरूर एग्जांपल्स को याद करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन है आर्नियस थ्योरी की, अब लिमिटेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे लिमिटेशन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होती है, पानी में जो एसिड बेस की तरह बिहेव करते हैं उन्हीं पर अप्लाई होती है आर्नियस थ्योरी। सेकंड देखिए नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट डोंट कंटेन हाइड्रोक्साइड, जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है जैसे अमोनिया है तो उसका वो बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये हम वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने लिमिटेशंस को मार्क किया था, ये वही वाली, क्लियर है? यस सर। इन दोनों को याद जरूर अच्छे से करना बेटा। अब नेक्स्ट आता है ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस लोरी कॉन्सेप्ट, जनरली इसको ओनली ब्रोंस्टेड के नाम से जानते हैं, लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो इस वर्ड को बाद में बच्चे भूल जाते हैं, एक बार नाम याद रहता है बाद में बोल भी देते हैं, बट जब बोलेंगे तो ब्रोंस्टेड एसिड ही बोलेंगे या ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे। स्पीसीज विच कैन डोनेट एच पॉजिटिव आयन,
तो यहाँ देखिए एच एक्स बी है कोई, एच पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाता है, एक्स नेगेटिव अलग हो जाता है और वो बी के साथ जुड़ जाता है, बी पॉजिटिव बना जाता है। हेयर एच एक्स डोनेट एच पॉजिटिव एंड सो इट इज ब्रोंस्टेड एसिड। क्लियर है बेटा, सिंपल है, एच पॉजिटिव एंड डोनेट करने वाला। यहाँ एक्सीएल भी इसकी कंडीशन में आता है बिल्कुल, जो आर्नियस एसिड होते हैं, ऑल आर्नियस एसिड क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। यस है, यस, और ऑल ब्रोंस्टेड एसिड भी आर्नियस एसिड है और ऑल आर्नियस एसिड भी ब्रोंस्टेड है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, दोनों की जो एसिड की डेफिनेशन थी वो सेम थी, बिल्कुल सेम, एच पॉजिटिव एंड डोनेट करने वाला एसिड होता है, दोनों यही बोलते ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्पीसीज विच एक्सेप्ट एच पॉजिटिव। अब आर्नियस बेस तो कहता है जो OH नेगेटिव एंड डोनेट करेगा, लेकिन ये कहता है कि जो एच पॉजिटिव एंड एक्सेप्ट करेगा, तो OH नेगेटिव एंड डोनेट करने के बाद NaOH, जो OH नेगेटिव एंड बचता है उसका, वो तो एच डोनेट एक्सेप्ट करता है ना, यस करता है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, NaOH था, NaOH ने क्या किया, Na पॉजिटिव बनाया प्लस OH नेगेटिव आयन बनाया, और ये OH नेगेटिव आयन क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, और HOH यानी कहीं से H पॉजिटिव आयन आ गया और इसने ले लिया, HOH मतलब पानी बना दिया। क्लियर है, तो ये OH नेगेटिव आयन यानी यहाँ पर इसका नाम क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल बेस है ना, बेस NaOH, क्योंकि NaOH हमारा बेस है, एक्चुअल में NaOH बेस है, OH नेगेटिव आयन इसने छोड़ दिया, तो ये क्या है, ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अरहेनियस ब्रोंस्टेड लोरी एच पॉजिटिव, हाँ सही है, सही बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, क्यों, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, यही कर रहा है ना, एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट, तो ये ब्रोंस्टेड लोरी हो गया। OH नेगेटिव आयन डोनेट करने वाला बेस होता है, ये हमारा आर्नियस बेस है, और OH नेगेटिव आयन जो हमारा बना, जो आर्नियस बेस में से निकला, वो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस हो गया। क्लियर है बेटा, तो यानी दोनों को आपस में लिंक करना आना चाहिए, तो बी एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन, इसलिए ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल दिखा रखा है, हालांकि इन्होंने वो कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल नहीं दिया, सिंपल दिया, अमोनिया प्लस एच पॉजिटिव आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम आयन बनता है ना, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, एच पॉजिटिव आयन नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है, नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है, बेशक ये लेविस बेस है, लेविस बेस, यस सर, लेकिन यहां पर यही अमोनिया ब्रोंस्टेड एसिड भी तो है, ब्रोंस्टेड बेस भी तो है, क्यों, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, ये एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस भी है और लेविस बेस भी है। क्लियर है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं बोल रहा था ना कि ब्रोंस्टेड बेस लेविस इतना सिंपल नहीं होता है एसिड बेस, तो यहाँ पर एक झोल जाल है, वो झोल जाल ये वाला इक्वेशन अब आपको ध्यान से करनी है, इंपॉर्टेंट है, याद करना ठीक है। क्या कहती है, HCl एसिड है, NaOH बेस है, डेफिनेट एच पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे, ये हमने सबसे कॉमन रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की, एसिड बेस न्यूट्रल बन जाते हैं, वाटर प्लस NaCl। क्लियर है सबको, यस सर। तो इसमें जो एसिड है, ये है एसिड, ये है बेस, तो एसिड का एच पॉजिटिव आयन जहां जाता है, यहां जुड़ गया ना इस OH के साथ, ये एच जुड़ गया, तो एसिड का एच पॉजिटिव आयन जहां जाता है और जो बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड, समझ में आया, कंजुगेट एसिड, नीचे स्पेलिंग भी लिख रखी है, हाँ भाई क्लियर है सबको, कंजुगेट एसिड, यस सर। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस, यानी एच पॉजिटिव आयन जहां पर गया, एसिड के अंदर जो एच पॉजिटिव आयन था, इसको आप लिख सकते हैं कंजुगेट एसिड है ये, ठीक है, और बेस के अंदर जो OH नेगेटिव आयन था, ये भी कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसी के साथ जुड़ेगा ये दोनों कंजुगेट एसिड बनाएंगे, तो Cl नेगेटिव क्या हो गया, कंजुगेट बेस, Na पॉजिटिव क्या हो गया, कंजुगेट बेस, तो आपको एक ही चीज याद करनी है, ये सारी अपने आप क्लियर हो जाएंगी, एच एसिड का एच पॉजिटिव आयन जिसके साथ चिपकता है वो क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। यस गाइस क्लियर है बेटा, यस सर, सिंपल ना, सिर्फ एक चीज याद रखिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, है ना, तो अगर ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट एसिड है, तो ये कंजुगेट बेस हो गया, ये भी कंजुगेट बेस हो गया, बाकी की सब चीजें कंजुगेट बेस कहलाती है। चलिए
अब कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में इन्होंने बता रखा है, गेन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, कोई बेस अगर एच पॉजिटिव आयन गेन करता है, ठीक है, अमोनिया इट विल ऐड टू प्रोटॉन NH3 देन इट फॉर्म NH4 इज कंजुगेट एसिड। तो भाई एसिड का एच पॉजिटिव आयन जिसके साथ जुड़ा, अमोनिया के साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। सिंपल, समझ में आया? इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है बेटा? यस सर। लॉस ऑफ प्रोटॉन, वहां गेन ऑफ प्रोटॉन था, यहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन है, मतलब जिसने एच पॉजिटिव आयन ये छोड़ दिया तो बाकी जो बचा, ये एच पॉजिटिव आयन तो क्या है, कंजुगेट एसिड का काम करेगा, तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस। तो ये जो CH3CO नेगेटिव आयन है ये कंजुगेट बेस होता है। समझ में आ गया? नेगेटिव आयन कंजुगेट बेस होता है, पॉजिटिव आयन कंजुगेट एसिड होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से कीजिएगा। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ अभी भी। यस, एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भाई कंजुगेट एसिड बेस अब आपको क्लियर हो गया होगा, एच पॉजिटिव आयन जहां जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये थोड़ी सी ना लंबी कहानी है स्ट्रेंथ वाली, किसी एसिड की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है। कोई एसिड मान लीजिए हमने पढ़ा था ट्राई प्रोटिक एसिड, H3PO4 तीन एच पॉजिटिव आयन छोड़ता है, H2SO4 दो छोड़ता है, HCl एक छोड़ता है, तो आपको क्या लगता है? यहां देखिए H3PO4 तीन एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिए, प्लस PO4 3 नेगेटिव बन गया, फिर H2SO4 दो एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिए, प्लस SO4 2 नेगेटिव बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर HCl एक एच पॉजिटिव आयन डोनेट किया, प्लस एक क्लोरीन नेगेटिव। हाँ भाई, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। बताओ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCl। HCl से स्ट्रॉन्ग होता है H2SO4। पता है सबको H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl से भी। अब ये तो मुझे याद है, मैंने तो मार रखा रट्टा, ठीक है, जैसे आपको शायद HCl आपको किसी ने बताया हो टेंथ में, मैंने भी रट्टा मार रखा है, मुझे भी याद है H2SO4 HCl से स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई एसिड दो एच छोड़ रहा है या एक एच छोड़ रहा है या तीन एच छोड़ रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है क्या? बताइए। नो सर। यानी एच पॉजिटिव आयन के नंबर का तो स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं, H2SO4 दो एच छोड़ता है, ये स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है मान लिया, तो H3O4 तो तीन छोड़ता है, फिर ये तो इससे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं ये वीक है, इवन ये HCl से भी वीक है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। इट इज वीकर देन HCl, यानी ये HCl से भी वीक है। तो भाई कैसे पता लगेगा? रट्टा मारना पड़ता है, बिल्कुल काफी हद तक रट्टा मारना पड़ता है अगर आपको ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए तो, लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग है जिससे हम पहचान सकते हैं, तो वो रीजनिंग क्या है वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ और वही आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए जरा, मिट गया क्या सारा, दोबारा से रीडू कर देते, ठीक है? तो देखिए क्या होता है भाई, अब मैं तीनों एसिड्स के जो आयन्स हैं मैं उनको ले रहा हूं, देखिए जरा, PO4 3 नेगेटिव आयन, जब मैं इस आयन को बनाता हूँ, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उसके बाद ओ पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव, यस, तीन एच हट गए इसके, ये तीनों एच ऐसे जुड़े हुए थे, ये भी ओ एच थे, तो ये ओ एच रिलीज नहीं करता, एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता। क्लियर है बेटा? यस सर। फॉस्फोरस पर थ्री नेगेटिव आयन, थ्री नेगेटिव ऑक्सीजन है, तीन नेगेटिव ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो क्या करता है, ये इधर जाएगा, इसका रेजोनेंस याद कर लेना सभी, ये इधर जाएगा, फॉस्फोरस पर ये ऑक्सीजन बन गया नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज्ड ऑक्सीजन, तीन तीन लगी हुई थी ना पहले, तो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड इधर कर देगी, मतलब ये वाला बॉन्ड सपोज दैट इधर आ जाता, तो डबल बॉन्ड आ गया इधर, यस क्लियर है सबको, इसका नेगेटिव यहां से चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, पहले यहां था अब यहां आ गया,
फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। इस तरह से ये डबल बॉन्ड चेंज होता रहता है और इसके चेंज होने के कारण ही ये तीन नेगेटिव आयन स्टेबल रहते हैं, और इसलिए ये जब एच छोड़ते हैं तो इसे वापस नहीं पकड़ते। भाई एच छोड़ ही क्यों रहे हैं, नेगेटिव बन रहा है बेचारा, और हमें पता है एटम नेगेटिव नहीं बनना चाहता, तो ये छोड़ क्यों रहे? समझ में आई बात? क्योंकि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ओ जो था वो इसको टीज कर रहा था, वो बार बार नेगेटिव आयन बन जाता था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को का ये एच को हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन को एच लेना पड़ता था, इस वजह से नेगेटिव बन गए। नेगेटिव बन गए तो अब स्टेबल, अगर जितने ज्यादा स्टेबल होंगे इन्हें एच की जरूरत नहीं है, तो एच पॉजिटिव आयन अगर इनके पास आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगी और इसे बोलेगी मुझे नहीं चाहिए तुम निकल यहां से। अगर ये इसके पास गया तो ये भी डबल बॉन्ड बन जाएगी और ये कहेगी मुझे नहीं चाहिए, और अगर इसके पास गया तो ये भी डबल बॉन्ड बन सकती है, तो बारी बारी से डबल बॉन्ड बनते रहते हैं। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। इसका मतलब जितना ये स्टेबल, नेगेटिव आयन जितना स्टेबल, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, क्योंकि वो फिर एच को आने ना दे अपने पास वापस। समझ रहे हो मेरी बात? एच वापस नहीं आना चाहिए एक बार चला गया छोड़ के तो, और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने बोला H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H2SO4 में SO4 नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव, देखो जरा S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसा होता है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये इधर बॉन्ड छीनती है, ये इधर बॉन्ड छीनती है, ये वाला ऑक्सीजन इधर से डबल बॉन्ड ये बना लेता है और इधर से ये बना लेता है, कंडीशन पूरी की पूरी बदल जाती है। सल्फर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नीचे वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, बराबर वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बराबर वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यस, बदल गया क्या नहीं सारा सीन? यस सर। मॉलिक्यूल सेम है, आप इसको थोड़ा सा घुमा दोगे 90 एंगल पर तो वो दूसरे वाला बन जाएगा, यानी कि यहाँ दो ऑक्सीजन है जो दो नेगेटिव ऑक्सीजन को बार बार स्टेबिलाईज कर रही है, भाई तुझसे संभाला नहीं जा रहा नेगेटिव, मुझे दे दे, तू इसके साथ सल्फर के साथ बॉन्ड बना, मैं नेगेटिव बनाता फिर दूसरा। अब देखिए H2SO4 में तो दो ऑक्सीजन है जो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, कभी तोड़ रही है कभी बना रही है, लेकिन PO4 के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड है और तीन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। H2SO4 में दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और दो ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यानी एक ही स्टेप में दोनों ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाती है, दोनों ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस वही बन जाते हैं, बार बार उल्टे सीधे चलते रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले में तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तीन नेगेटिव ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करेगी, तो एक के साथ डबल बनेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे के साथ, तीन बार घूमने के बाद उस ऑक्सीजन नेगेटिव को वापस डबल बॉन्ड बनाने को मिलेगा। तो क्या हुआ, रिपीटेशन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो गई, तो ये सोचेगा मेरे को तू डबल बॉन्ड बनाने नहीं दे रहा तो मैं तो एच को वापस ले रहा हूं, तो PO4 वाले एच को वापस ले लेते हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes, इसलिए ये वीक एसिड है। समझ में आ गया वीक एसिड का रीजन? वीक एसिड कौन होता है? जिसका नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी लेस होती है, तो यहाँ नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी काफी हाई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब HCl में क्या होता है? यहाँ तो सिर्फ क्लोरीन नेगेटिव और एच पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव एक अच्छा खासा आइटम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव अकेला आइटम है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो इसलिए ये क्लोरीन नेगेटिव भी एच पॉजिटिव को कभी कभी जोड़ लेगा अगर इसके साथ धक्का किया जाए तो, इसे बेचारे को लेना पड़ेगा एच पॉजिटिव अपने पास, ठीक है। लेकिन H2SO4 में वो बेचारा स्टेबलाइज रहता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर ये नेगेटिव आयन बड़ा हो जाए तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन नेगेटिव, फिर आयोडीन नेगेटिव। अब देखो जरा, आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, बहुत बड़ा, अगर कोई बहुत बड़ा एटम है उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके चला गया तो ये न्यूक्लियस इतना पावरफुल है कि इसको संभाल के रख लेगा, कहेगा ठीक है यार एच को वापस नहीं आने देगा, कहेगा तू आ रहा है तू पहले छोड़ के क्यों गया था, तू जा मैं अपने आप संभाल लूंगा। बट क्लोरीन तो छोटा है तो बेचारा का न्यूक्लियस भी छोटा है, तो इससे नेगेटिव चार्ज संभलता नहीं है, तो एच पॉजिटिव आयन आएगा तो ये कभी ना कभी इसको चिपका सकता है अगर कोई दूसरा इसको इंसिस्ट करे तो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl भी, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना H2SO4 होता है, समझ गए? तो इससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ब्रोमीन वाला। इससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? आयोडीन वाला। तो इसलिए HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HBr क्या है? स्ट्रॉन्गर। HI क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गर। यस, क्लियर हुआ ये ऑर्डर? यस सर। इस ऑर्डर को याद रखना सभी कि HCl से HI, HI का I नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है भाई, इस वजह से, क्योंकि बड़ा है साइज में, न्यूक्लियस भी बड़ा है तो वो नेगेटिव आयन को आसानी से रख लेता है, दैट इज व्हाई
ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, और सॉरी ज्यादा देर तक अकेला रह सकता है, तो एच को छोड़ने के बाद वापस नहीं आने देगा, कहेगा तू चला गया ना निकल, वापस नहीं आने का। जो एसिड एच को रिलीज करने के बाद उसे वापस ना आने दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दो एच छोड़ रहा है कि तीन, तीन एच छोड़ रहा है तो हमें लगेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो छोड़ने के बाद वापस ले लेता है, कहता आ जा आ जा मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, फिर छोड़ देता जा 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 जा, फिर होता है ना दोगले टाइप के लोग, जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती तो फिर वापस भेज देते हैं, ये एसिड कुछ ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर कोई उसको छोड़ के चला गया कहेगा अब मैं तुझे आने नहीं दूंगा, निकल तू जहां गया था निकल, यहां से लॉयल लोग, समझ गए, ये कुछ वैसा, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है तो भाई अब आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब जरा देख, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड करती है उनके नेगेटिव आयन के ऊपर, जो स्टेबिलिटी है उनकी। तो H3PO4 देखिए तीन एच छोड़ता है और PO4 बनाता है, ये वही चीज लिख रखी है, HNO3 सिर्फ एक एच छोड़ता है, NO3 है, NO3 स्टेबल है, PO3 4 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव अनस्टेबल है, ये एच सिर्फ एक ही एसिड को लेकर करेगा, मैंने तीनों को स्टेबल करके दिया। तो ये क्या बोलता है भाई, स्ट्रॉन्गर एसिड कंसिस्ट ऑफ द वीकरेस्ट कंजुगेटेड बेस, ये जो है ना ये कंजुगेट बेस है, एच पॉजिटिव आयन का जो दूसरा पार्ट होता है वो कंजुगेट बेस होता है, ये कंजुगेट एसिड जहां जाएगा और ये जहां जाएगा वो कंजुगेट बेस बनेगा, एसिड का एच पॉजिटिव आयन जहां जाता है वो कंजुगेट एसिड होता है, यानी एसिड का एच पॉजिटिव आयन ही कंजुगेट एसिड होता है और उसका जो दूसरा पार्ट है वो कंजुगेट बेस होता है। यस समझ में आ गया ये? तो कंजुगेट बेस जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वीकर कंजुगेट बेस तो जितना ज्यादा वीकर, एंड वीकर एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी कंजुगेट बेस वीक एसिड का, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वाला तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो वीकर होगा, वीकर का मतलब ये अब ये बेस है कंजुगेट बेस बट ये वीक है, इसका मतलब इसे एच पॉजिटिव आयन नहीं चाहिए, वीक कंजुगेट बेस का मतलब इसे एच पॉजिटिव आयन नहीं चाहिए। यस बेटा समझ में आया? यस सर। तो जिसे एच पॉजिटिव आयन नहीं चाहिए वो वीक कंजुगेट बेस होगा, तो मैंने जो बोला जो एच पॉजिटिव आयन को वापस ना जुड़ने दे, ठीक है, वही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन उसका वीक कंजुगेट बेस होगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वीक कंजुगेट बेस होते हैं, जिन एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिनका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक एसिड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एच पॉजिटिव आयन को वापस, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना कंजुगेट बेस तो वो एच को वापस बुला लेगा। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ देखिए एच ए वन स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए एच कंजुगेट एसिड बन गया, ये वीक होगा कंजुगेट बेस उसका वीक होगा। फिर एच ए टू अगर मान लीजिए ये वीक एसिड है तो मैं बोलता हूँ कि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि वो जल्दी से एच को वापस चिपका लेगा। समझ में आ गया? यस सर। इसको ऐसे ले सकते हैं, एनओ थ्री जो नेगेटिव आयन है ये स्टेबल है, इसका मतलब ये वीक है, स्टेबल का मतलब वीक है, ये एच को नहीं चाहता, एच को एक्सेप्ट करने में वीक है, ये वैसे स्टेबल है एच को एक्सेप्ट करने में वीक है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया भाई? यस सर। हाँ नहीं समझ में आ गई होगी, सीधी सी बात है, जिसका कंजुगेट, अब देखो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो कंजुगेट बेस बोलेंगे, कंजुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक है, कंजुगेट बेस अगर वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, उल्टा होता है। और अगर सिंपल भाषा में बोले बिना साइंटिफिक के, तो भाई जो नेगेटिव आयन होता है एसिड का अगर वो स्टेबल है तो वो एच को लेना नहीं चाहेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंपल। समझ में आ गया? यस सर। दोनों बातें सबको याद होनी चाहिए, बाकी के स्टूडेंट भाई सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, रोशनी, अभिजय, अंकुश सब यही है क्या? सौरभ, शिखा, सिया, वंदिता, सब यही है? चलो ठीक है, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट देखिए जरा, रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर इन द डायरेक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड टू ए वीकर एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस टू ए वीकर बेस, यानी कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ होगी। तो यहां मान लीजिए ये एसिड है, ये बेस है, तो ये कंजुगेट एसिड बेस है और ये कंजुगेट एसिड है जो एच पॉजिटिव आयन बना, तो ये क्या कहता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, इस तरफ अगर रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और कंजुगेट एसिड वीक है, ये वीक होना चाहिए,
ठीक है, तभी रिएक्शन इस तरफ जाएगी। अगर रिएक्शन दूसरी तरफ जाए तो कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिड से, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये एसिड होगा और ये कंजुगेट एसिड होगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है, इसका मतलब समझ में आ गया भाई? यस सर। अब के की वैल्यू देखो 1.8 × 10^5, तो याद आपको केसी इज 10^3 × -3 के बीच में होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो 10^3 से -10^3 अगर इसमें हो तो वो लगभग दोनों बराबर 50-50 बन जाते हैं, लेकिन इससे कम या ज्यादा हो तो क्या होता है, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है बैकवर्ड, तो ये वाली रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 10^3 से भी कम है, तो अगर 10^3 से कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन, 10^3 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन के ए की वैल्यू यहाँ दिखा रखी है इस रिएक्शन की ये, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कंजुगेट एसिड H3O पॉजिटिव आयन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस क्लियर है? यस सर। यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, एसिड वाली रिएक्शन है, तो उसका जो एसिड है वो वीक है और उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर, सीधी सी बात है ना, और सेम चीज बेस के लिए भी कह सकते हैं, उसका जो बेस है और उसका जो कंजुगेट बेस है, बेस वीक है, कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं, इट मींस दैट द रिएक्शन गोइंग टू द बैकवर्ड इंडिकेटिंग दैट कार्बोक्सिलिक इज नॉट कंप्लीटली आयनाइज मींस दैट इट्स वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक, तो ये H3O पॉजिटिव से भी वीकर है, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, तो ये भी स्ट्रॉन्गर बेस है देन वाटर, समझ में आ गया भाई? अगर जिस तरफ रिएक्शन जा रही है ना, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ जो जा रही है बैकवर्ड जा रही है, तो ये रिएक्टेंट वीक होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी इस रिएक्शन से याद रखना, ये पूरा डिसोसिएट तो होता नहीं और इसके रिएक्टेंट जो है वो वीक है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस रिएक्शन में वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। एम्फोटेरिक स्पीसीज, अब कुछ स्पीसीज एसिड बेस हमने किए कुछ कुछ है ना, अब कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक बोले तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो कहते हैं भाई मैं बेस बन जाऊंगा, तू मेरा भाई तू मेरा भाई, अगर बेस स्ट्रॉन्ग आ गया तो कहते हैं भाई मैं एसिड बन जाऊंगा, तू मेरा भाई तू मेरा भाई, तो ये ऐसा भी होता है एम्फोटेरिक, एसिड के साथ बेस, बेस के साथ एसिड की तरह, जैसे कि हमें पता है पानी एक एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक स्पीसीज है, हम उसको एम्फोटेरिक एसिड या बेस नहीं बोल सकते, आप पानी एसिड के साथ एसिड की और बेस की तरह बिहेव करता है और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है ना पानी एसिड का, तो मतलब बेस की तरह बिहेव किया। क्लियर है बेटा? यस सर। स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एज वेल एज डोनेट, जो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, एज पर लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए HCl है एसिड है, बेस है वाटर, H3O पॉजिटिव कंजुगेट एसिड बना, Cl नेगेटिव कंजुगेट बेस बन गया, नेक्स्ट अमोनिया बेस है, वाटर यहाँ एसिड की तरह, वहां वाटर बेस था देख लो, यहाँ वाटर एसिड है देख लो, H पॉजिटिव डोनेट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहा था H3O पॉजिटिव बनाया, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया कंजुगेट एसिड बनाने के लिए, और यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और इसने क्या किया H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, इसने डोनेट किया OH नेगेटिव आयन कंजुगेट बेस बन गया, एसिड का H पॉजिटिव आयन चला जाने के बाद जो बचता है वो कंजुगेट बेस और ये कंजुगेट एसिड हो गया। यस क्लियर है बेटा? हियर वाटर इज एक्टिंग एज एसिड एंड अमोनिया इज एक्टिंग एज बेस, सो वाटर इज एम्फोटेरिक, तो वाटर एम्फोटेरिक है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं, अब है यहाँ पर कुछ काम की चीज, सारी की सारी थ्योरेटिकल पोर्शन था, बकवास बातें थी, कुछ खास नहीं था, ठीक है, ये वाला जो अब पार्ट आएगा के ए के बी का, ये थोड़ा सा खास के ए के बी वाला आ गया, तो के ए के बी वाला, ठीक है, के ए के बी वाला जो पार्ट है यही आपके इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब तो थ्योरी थी आपको पता ही। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, कंसीडर दिस एसिड,
कंसिडर दिस वीक एसिड रिएक्शन, एच ए वीक एसिड की रिएक्शन है, यानी उसने पहले बता दिया कि ये वीक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एच ए प्लस वाटर, तो इसकी जगह पर ना मैंने यहाँ पे वीक एसिड का एग्जांपल ले रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनेगा, सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी इसने ऐसा ही बनाया कुछ, सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव और ये कंजुगेट बेस बना दिया, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ए ए निकाल लिया इसका, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड वही चीज आपको बताता हूँ। तो हमने केसी निकाला, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वन वन लगा रखा है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वन वन लगा रखा है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये जो केसी हमने निकाला है, इस केसी में हमें पता है पानी सोलवेंट की तरह यूज था, एक्सेस अमाउंट में है, तो हमने एसिड कितना डाला होगा, 1 ग्राम एसिड डाला होगा, उसमें भी ये पूरा तो घुलता नहीं है ये महाशय, तो अगर 100 ml पानी में 1 ग्राम एसिड डाल दिया जिसमें से मान लो थोड़ा सा एसिड घुला, तो उसने थोड़े से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज किए, तो वाटर तो लगभग हम कह सकते हैं 100 ml का 100 ml ही पड़ा है, यस और नॉट? यस सर। क्योंकि बहुत कम वाटर यूज हुआ जो H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो मैं इस वाटर को उठा के यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही, लगभग बराबर है, तो KC को जो वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचा, प्रोडक्ट डिवाइडेड रिएक्टेंट, सॉल्वेंट नहीं है जिसमें, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, तो और इन दोनों की मल्टीप्लाई, KC और वाटर की मल्टीप्लाई कर दी, इसको बोलते हैं KA, क्योंकि ये एसिड था, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, यस समझ में आया KA क्या होता है? यस सर। तो याद रखिएगा के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड। के भी कैसे निकालोगे, के भी ऐसे निकालेंगे, बस बेस होगा उसकी जगह पर, तो प्रोडक्ट ऑफ बेस डिवाइड बाय रिएक्टेंट ऑफ बेस, और उसमें पानी को इधर ले जाएंगे, तो केसी जो बेस का आएगा उसको वाटर से रिएक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, वो के भी बन जाएगा, समझ में आ गया? तो आप केसी को के ए को याद रखिए, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, इसमें पानी को हम दूसरी तरफ ले गए थे, बस ये चीज कहानी याद होनी चाहिए, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, कंसिडर द दिस वीक एसिड रिएक्शन ऑफ एच ए, एच ए प्लस वाटर, यहाँ पर इन्होंने सब बकवास चीज दिखा रखी है, कंसिडर दिस वीक बेस रिएक्शन, ये भी दिखा रखा है, के बी दिखा रखा है, के बी वैसे निकलेगा जैसे हमने के ए निकाला, के ए और के बी, अब काम की चीज ये है, के ए और के बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, के जो निकाल रखा है ये जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई में के बी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना दोनों की वैल्यू, ये तो कर ही सकते हैं हम। तो इसने क्या किया, H3O पॉजिटिव A नेगेटिव H A डिवाइड में OH नेगेटिव H A मल्टीप्लाई में A नेगेटिव, तो यहां से जो कट रहा है वो कट जाएगा, H A से H A कट गया, A नेगेटिव मल्टीप्लाई में था, यहाँ A नेगेटिव डिवाइड में है, तो बचा था H पॉजिटिव आयन जिसको H3O पॉजिटिव बोल रहे हैं, और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों ही बचे ना, यस बेटा, यस सर। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बचेंगे जब आप एसिड और बेस को दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इनकी मल्टीप्लाई, यानी Ka और Kb क्या होता है, उसको बोलते हैं वाटर की मल्टीप्लाई, एक्चुअल में K और Kb को Kw बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई, उसकी कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यहां 1 1 ही आएगा इनका कोएफिशिएंट, तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को Kw बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा भी हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट याद रखना, Ka Kb इक्वल होता है Kw, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, यस समझ में आ गया भाई, Ka होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, Kb होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, Kw होता है दोनों की मल्टीप्लाई करके, सिर्फ पानी बनेगा इन दोनों से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर आपको पता है तो Kw निकाल सकते, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पेज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना ही करने वाले हैं, ध्यान से कीजिएगा, लास्ट वाला पेज इंपोर्टेंट है, बाकी सारी थ्योरी आपको सिर्फ याद करनी है, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और इसके न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले अगर जो सॉल्व हैं आपके पास में, जो एनसीईआरटी के मैंने भेज रखे हैं वो सारे सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व नहीं है एनसीईआरटी वाले, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सॉल्व तो सारे हैं, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो आप मुझसे पूछिए, उनको मार्क कराते रहिए, स्टार लगाते रहिए, हो सका तो 1-2 सेशन हम लगाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है,
रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं, किसी को डाउट है तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ। हाँ भाई बोलिए जरा।